नमस्कार दोस्तों, मैं परमजसल कुंडली टीवी के खास प्रोग्राम आपका राशिफल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें और शेयर करें। आपका जो राशिफल है, शुरुआत करने से पहले हम आपको बता देते हैं आज के पंचांग के। पंचांग सोमवार 23 दिसंबर 2019, चंद्रमा तुला राशि और विशाखा नक्षत्र में रहेंगे। राहु काल सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का है। शुभ दिशा ईशान कोण, दिशा शूल पूर्व, धूर्त योग रात 3:35 तक का है। विशेष क्या है, सोम प्रदोष व्रत है। तो सबसे पहले बात हम इन चीजों से कर लेते हैं। जो पहली राशि आ जाती है मेष राशि, तो मेष राशि के लिए सितारे क्या कहते हैं देखते हैं। आज आपके सितारे जो हैं बिगड़ते हुए कामों को भी संवारने में आपकी मदद करेंगे। जीवन में कुछ नया होने की संभावना बनती है, लेकिन हर जगह कुछ रुकावटें आपको जरूर मिलेंगी। तो छोटा सा उपाय करिए इसके लिए, शिवलिंग पर काजू चढ़ाकर आएं। अगली राशि हमारी आ जाती है वृष राशि। दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। ऑफिस में किसी से मतभेद हो सकते हैं, परिवार में कोई बीमार पड़ सकता है। सेहत का ध्यान रखें और अपने गुस्से पर काबू पाके रखें। तो क्या करना है आपको, सूखा धनिया को जो है कपूर के साथ जलाएं और वो सारी धुनी अपने घर में जलाएं। अगली राशि आ जाती है मिथुन राशि। आज पूरा दिन आपका दबाव बना रहेगा, आपका एक स्ट्रांगनेस आपको फील होगी। किसी भी काम में आप दखल अंदाजी ना करें, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो छोटा सा उपाय करिए जिससे कि सारी टेंशन दूर हो जाए, शिवलिंग पर सफ़ेद कपड़ा चढ़ाकर उसे दान करें। अगली राशि हमारी आ जाती है कर्क राशि। खेल कूद से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतर रहेगा, किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़ें। खाने पीने का ध्यान रखें, परिजनों के बीच में समय गुजारें, इससे आप ही को फायदा है। तो छोटा सा उपाय कर लेते हैं हम लोग, पीपल पर जल चढ़ाएं, हाथ जोड़कर जल चढ़ाएं। अगली राशि आ जाती है हमारी सिंह राशि। आज परिवार के लिए भागदौड़ हो सकती है, आपके बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। समाज में आपकी जो प्रतिष्ठा बनी हुई है उसको आप बनाकर रखें। अगला उपाय क्या करना है हमें, पूजा घर में बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें। हमारी नेक्स्ट राशि आ जाती है कन्या। अपनी सेहत का ध्यान रखें, सचेत रहें। आज किसी गरीबी जो है किसी भी करीबी से आपको धोखा मिल सकता है, किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, बाहर जाने की योजना बन सकती है। तो इसके लिए छोटा सा उपाय कर लीजिए, शिवालय पर सफ़ेद फूल चढ़ाकर पर्स में रख लें। नेक्स्ट राशि हमारी आ जाती है तुला। आज कामकाजी दशा आपकी संतोषजनक बनी रहेगी, खुद को टेंशन से फ्री महसूस कीजिएगा। जीवन साथी से कोई अच्छा तोहफा भी मिल सकता है, तो इसके लिए छोटा सा उपाय है, शिव गौरी की पूजा करें। अगली राशि हमारी आ जाती है वृश्चिक राशि। आज आपके सितारे दोपहर तक ठीक नहीं रहेंगे, आपका खर्च बढ़ा सकते हैं, नुकसान परेशानियों का डर आपको बना रहेगा। तो उपाय क्या करें ये डर को दूर करने के लिए, दूध और शहद से शिव अभिषेक कीजिएगा। नेक्स्ट राशि हमारी आ जाती है धनु राशि। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, परिवारजनों में जो भी है प्यार से आपका समर्थन आपको मिलेगा। गाड़ी चलाते समय सावधानी अवश्य बरतें, आज बाहर के खाने से परहेज करें। उपाय क्या करना है छोटा सा, शिवलिंग पर पपीता चढ़ाकर खाएं। अगली राशि है हमारी मकर राशि। आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रह सकती है, किसी करीबी रिश्तेदार से खास खबर मिल सकती है, पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। हेल्थ का ध्यान रखिए, इसके लिए छोटा सा उपाय करना है, दो सफेद मोती जल प्रवाह कर दे। अगली राशि हमारी आती है कुंभ राशि। दिन जो है शुभ रहेगा, आज किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आज आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी, बनी हुई योजनाएं आज पूर्ण हो जाएंगी, धन लाभ हो सकता है। छोटा सा उपाय करना है, शिवलिंग पर भेल पत्र चढ़ाकर उसे जल प्रवाह कर दे। अगली राशि हमारी आ जाती है मीन राशि। दिन उलझा हुआ रह सकता है, आज किसी भी काम में जल्दबाजी आपकी बाधा बनेगी। तो दिन को जो है लव मेट के साथ भी बिताएं, दिन अच्छा बीतेगा, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं आपके लिए। इसके लिए छोटा सा उपाय कर सकते हैं, दही में केसर चढ़ाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए कुंडली टीवी। नमस्कार।